हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो अभी आज मैं आप लोगों को बैग अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी, तो आप लोग देखते रहो। ये रहा, पापा बाज़ार करके आ गया है और सामान क्या क्या लेकर आई है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये रहा मशरूम, जो ये जंगल में मिलता है, ये पूरा ऑर्गेनिक है, ये देख सकते हो। और ये रहा ग्रीन चिल्ली, और फिर पापा बेम्बू शूट भी लेकर आए हैं, और ये देख सकते हो एप्पल भी लाए, फिर मैंगो भी लेकर आए हैं। इतना कुछ बाज़ार करके नहीं आए हैं पापा, फिर भी जितना लाए हैं हम लोग खुश हैं। और अभी हम खाएंगे अमरा बर्ता करके, ये देख सकते हो। पहले पिलअप करना है, फिर छोटा छोटा करके काट कर लेना है, जो अभी काट कर रही है दीदी दाव से। फिर ये रहा रेड चिल्ली, बहुत ही टेस्टी है ये रेड चिल्ली भी, ये दोपहर में किया था। एंड गाइस ये रहा और यहाँ पे हंसी मजाक चल रही है इन दोनों के बीच में। चलो कोई नहीं, ये जो बर्ता है बहुत ही स्पाइसी एंड टेस्टी हुआ है। गाइस क्या आप लोग भी क्रेविंग हो रहे हैं हमारे बर्ता को देख के? मैं अभी पापा को बोला खा के दिखाने के लिए, फिर खा के ख़त्म हो के अभी हम पकाएंगे खाना। ये देख सकते हो मशरूम, मैं थोड़ी देर पहले दिखा लिया है। और ये है बनाना ट्री, ये सॉफ्ट है, इनको हम लोग चाखरा करके पका के खाएंगे, जो मैं आज पकाएंगे। और बाहर का वेदर कुछ ऐसा है, सब क्लाउडी क्लाउडी है, ये देख सकती हो। हम लोग का गांव का व्यू कितना मस्त है, आप लोग देख सकते हो चारों तरफ ग्रीनरी है। एंड गाइस बारिश भी सडनली होना शुरू हो गया है, शावर जैसा बारिश होती है आजकल। बारिश हो रही है बाहर में, खाना भी पकाना। सो चलो आज क्या क्या खाना पकाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, आप लोग देखते रहो। वेदर बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है। इट्स रेनी हियर गाइस, कोई नहीं। वाह, मैं किचन की तरफ जाऊँ। मेरा खाना पकाना शुरू हो गया है, ये देख सकते हो तेल गरम हो गया है, तो मैं प्याज को भी डाल दिया है। ये चाखरा पकाएंगे अभी। मैं मम्मी के साथ खाना पका रही हूँ, मम्मी मुझे रेडी करके दिया है और मैं खाना पका रही हूँ। सॉरी गाइस, मैं अच्छे से वीडियो नहीं कर पा रही क्योंकि मैं ये फ्रंट कैमरा से ले रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो करके देने वाला कोई नहीं है, दीदी भी बिजी है एंड मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है यहाँ पे। और फिर मैं मशरूम पकाने के लिए भी कढ़ाई चढ़ा दिया है, फिर तेल गर्म होने के बाद प्याज एंड जो ड्राई फिश है वो भी डाल के थोड़ी देर तक फ्राई करते रहेंगे, जब तक अच्छे से नहीं हो जाते। फिर ये रहा मेरा जो चखरे है, बेम्बू एंड मशरूम भी डाला है यहाँ पे, और ये जो बनाना और सॉफ्ट पार्ट है वो, एंड ये मशरूम जो मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ गाइस, सॉरी इसके लिए भी। एंड ये चखरे भी तो आप लोग सबको ही पता है यहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, आप लोगों को तो पता ही होंगे। मैं अभी जा रही हूँ लेमन लीफ तोड़ने के लिए, क्योंकि स्मेल अच्छा आने के लिए, स्मेल आने के लिए मैं लेमन लीफ यूज़ कर रही हूँ चखरे पे। और मैं जो पाउडर डाला है वो है राइस पाउडर, ये देख सकती हूँ। और ये रहा मेरा थाली आज का। आज मैं इतना कुछ आइटम्स नहीं पकाए हैं खाने, मम्मी बोला है इतना कुछ पकाना नहीं चाहिए, तो मैं और आइटम्स नहीं किया है खाने में आज। सो ये जो चखरा है वो भी अच्छा ही हुआ, फिर ये जो मशरूम करी है वो भी टेस्टी है। फिर शाम के समय पापा हम लोग के लिए लेकर आए हैं ये भुट्टा, जो बहुत ही सॉफ्ट है और दीदी का फेवरेट है, सब दीदी खा लिया है। और मैं दीदी को पूछ रही थी कुछ बोलना है। और ये रहा गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग को, बहुत सारे लोग सो के उठने के बाद वीडियो करते, पता नहीं वो लोग इतना सुंदर कैसे दिखाई देते। मेरा हालत तो कुछ ऐसे ही है, आँख छुटा करके, कभी बड़ा ही नहीं होते, मेरा नींद कभी पूरा नहीं होती। और गाइस ये रहा टाइम, जो हम अभी तक सुबह ही नहीं हुआ है, हम लोग क्यों उठाए हैं, क्योंकि हमें जाना है आज सुबह अर्ली मॉर्निंग को
बिहार में जाना है। दीदी खाना वाना पका लिया है, थोड़ी देर पहले मैं दिखा लिया हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हो ये है रोटी के साथ खाने के, और फिर मैं पास्ता बना रही हूँ, और फिर ये जो है ये बनते लोगों के लिए छोइन लेकर जाएंगे हम लोग। फिर हम लोग ये रोटी भी बनाए, फिर पास्ता ये भगवान बुद्ध भी चढ़ाने के लिए, और वो बनते लोगों के लिए है, सब अलग अलग करके लिया है, पास्ता बनते के लिए, फिर और दूसरा बनते के लिए लिया है, रोटी सब्जी फिर और चावल खाएंगे और एक बनते, फिर हम रेडी वेडी होके अभी फ्लावर प्लग करके बिहार की तरफ निकल जाएंगे। ये देख सकते हो इतना ज़्यादा नहीं मिला है क्योंकि सुबह हो गया है, लेट हो रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रही हूँ। दीदी आज 3 बजे से उठ के खाना सब कुछ रेडी किया है और मैं 4 बजे को उठा है क्योंकि मेरा नींद पूरा नहीं होती है इसलिए। और ये देख सकते हो गाइस हम लोग का गांव की व्यू सुबह में कितना सुंदर। एंड गाइस ये रहा मैं जो अभी दीदी के पीछे पीछे जा रही हूँ कैंडल लेके, दीदी सब जो छोइन और फ्लावर हम लोग प्लग किया है वो लेकर जा रही है। ये देख सकते हो हम लोग का खतरनाक रास्ता जो मैं बहुत बार वीडियो कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। हमारी ये जो रास्ता है वो ठीक करने के लिए आप लोग अगर हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर आइए हमारे गांव पे और हम लोग का खतरा रास्ता को आके ज़रूर हेल्प कीजिए आप लोग। फाइनली हम लोग आते आते फाइनली हम लोग मेन रोड में पहुंच गए हैं। और गाइस सुबह में व्यू देखो कितना सुंदर। एंड गाइस मैं अभी मेरा आउटफिट दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हो बेकार से फिर भी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। सो फाइनली हम बिहार में भी पहुँच गए हैं गाइस, आप लोग सुनाई दे रहे होंगे बंते प्रार्थना कर रही है, जब सुबह सुबह में ये सब प्रार्थना के आवाज़ जब सुनाई देते हैं ना गाइस, रियली सच में मैं बोल रही हूँ एकदम सुकून मिलता है। दीदी यहाँ पे बुद्ध के लिए जो लेकर आए हैं वो चढ़ा दिया है छोइन, अभी हम प्रार्थना करके सब कुछ ख़त्म करके दूसरे तरफ जाएंगे। ये देख सकते हो ये दूसरा बिहार है गाइस, ये महामुनि बिहार है जो हर साल मेला होती है। एंड गाइस मैं तो बहुत बार ये बिहार में भी वीडियो किया है, आप लोग देखा ही होंगे, ये हम लोग का बाइखुरा का बिहार है। अभी मैं कैंडल जलाएँगे, कैंडल भी जला लिया है, फिर अभी प्रार्थना करेंगे। दीदी कैंडल जला के अभी प्रार्थना कर रही है, वो प्रार्थना सब कुछ ख़त्म करके आके अभी बनते लोगों के लिए जो टिफ़िन लेकर आए हैं वो दे दिया है, फिर अभी यहाँ पे पिशी ने चाय बना रही है बनते लोगों के लिए, मैं कप भी वॉश करके दे दिया है पिशी को, चाय भी हो गया है, अभी मैं कप पर डाल के बनते को देने के लिए जाएंगे। पिशी और दीदी बाहर में काम कर रही है, ये रहा दीदी जो पानी लेकर दीदी गई है फिल्टर में पानी देने के लिए, और मैं आप लोगों को बिहार के सामने जो बगीचा है मैं वो दिखा रही हूँ, ये देख सकते हो गाइस बहुत ही सुंदर है, ये सब बंदे लोग ही लगा के रखती है सुंदर करके। एंड ये रहा कितना रोसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फ्लावर है, मेरा काम ख़त्म कर लिया है। अभी दीदी यहाँ पे वो भी क्लीन कर रही है बाहर में, मैं भीतर में किया है वो बाहर में कर रही है। एंड गाइस ये रहा पीठा जो सॉफ्ट सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा लगा खाने में, ये एक आंटी लेकर आए हैं बिहार में, और अभी बनते लोग खाने के बाद अभी हम खाएंगे, ये देख सकते हो बहुत ही सब्जी है, टेस्टी टेस्टी है। अभी हम सब काम ख़त्म करके खा के अभी जा रही हूँ घर। आज हम लोग सुबह में बिहार आए हैं क्योंकि आज हम लोग का डेट है बंती लोग के लिए छोइन लेकर आने के लिए, ये जो डेट है रोटेशन वाइज होती है गांव पे, सब लोग आते हैं अलग अलग डेट है। अभी हम जा रही हूँ घर, सब कुछ काम ख़त्म करके खा के, यहाँ पे देख सकते दीदी डांस करके जा रही। गाइस अगर आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाय।